नमस्कार। हेलो फ्रेंड, झटपट झटपट घरेलू डिश में आप सब लोग का स्वागत है। फ्रेंड, आप लोगों को नवरात्रा के लिए हम एक रेसिपी लेके आए हैं। फ्रेंड, बहुत ही इजी, अगर आपको खाने से मन उब गया है फ्रेंड, तो ये यूनिक दही भल्ला बना के खाइए। बिना उड़द दाल का ये दही भल्ला बहुत टेस्टी बनेगा फ्रेंड। तो इसको देखिए, हमने मूंग दाल लिए हैं 100 ग्राम फ्रेंड। उसको रात को एकदम भिगो के छोड़ दीजिएगा फ्रेंड, और इसमें कुछ भी नहीं डालना है फ्रेंड। मिक्सी के जार में पीस लेंगे फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा करके। देखिए फ्रेंड, ये नवरात्रा में एनर्जेटिक पावर देगा इससे। देखिए फ्रेंड, हमने इसको बिना पानी दिए पीस लिए फ्रेंड। अब थोड़ा सा, 1 पिंच खाने वाला सोडा डाल देंगे फ्रेंड इसमें, और 2 बड़ा चम्मच मैदा डाल देंगे फ्रेंड। बस 2 बड़ा चम्मच डालेंगे और इसको खूब मथेंगे फ्रेंड। पहले इसको इस तरह खूब मथ लेंगे फ्रेंड, मिक्स करेंगे और इसको मथेंगे, अच्छे से मथेंगे कि हमारा दही भल्ला एकदम फूल जाए फ्रेंड। ये देखिए, 5 मिनट इस तरह करते हुए इसको मथिए फ्रेंड। पानी नहीं देना है फ्रेंड, बिल्कुल नहीं, और थोड़ा सा दरदरा पीसना है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, 5 मिनट मथने के बाद हम थोड़ा सा, 1 चम्मच और मैदा डालेंगे, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो फ्रेंड। इससे एकदम स्टिक से आपका दही भल्ला बिना दाल के सॉफ्ट बन जाएगा फ्रेंड। देखिए, इतना सॉफ्ट बनेगा फ्रेंड कि आप कह नहीं सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और अमेजिंग फ्रेंड। व्रत में हर खाना से मन उब गया तो बनाइए बिना दाल के दही भल्ला फ्रेंड। उड़द दाल तो नहीं खाते हैं कितने लोग, इसलिए बनाइए ये दाल से। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल लें, छोटा चम्मच का चौथाई भाग, 2 पिंच नमक, क्योंकि दही में भी हमारा नमक होगा फ्रेंड। फ्रेंड, अब इसमें हम डाल लेंगे 1 पिंच गोलकी पाउडर, ताकि एकदम झलदार मजा आ जाए फ्रेंड। आप बर्थ में खाके ये भूल जाइएगा फ्रेंड। 2 मिनट बाद इसको डालिएगा फ्रेंड। 1 पिंच काली मिर्च, अगर दरदरा मिक्स घर में कूटा कूट के रखे हैं फ्रेंड, ये तो हम घर में कूट के रखे थे, उससे तीखापन ज्यादा आएगा। क्या हुआ, काली मिर्च फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, पेन गर्म हो गया, हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल ज्यादा नहीं, 2 से 3 बड़ा चम्मच डालिएगा। डीप फ्राई करने का कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड, तेल बर्बाद करने का है बस। और इसको इस तरफ करना है, बस छोटा छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं। देखिए फिर से एक बार, देखिए हाथों को, देखिए पूरे अच्छी तरीके से पानी में भिगोइए और इसको इस तरफ कीजिए, बिल्कुल छोटा ही पलटना है फ्रेंड। एकदम धीरे धीरे इसको तलने दीजिए फ्रेंड। बिल बहुत कम तेल में, और बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है फ्रेंड, और बहुत ही मजेदार फ्रेंड। आप भूल ही जाइएगा कि हम नवरात्रा भी किए हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, इसको हमने 10 से 12 मिनट एकदम लो फ्लेम पे बेक होने जैसा होने दिए। अब हम धीरे से पलटेंगे फ्रेंड, 10-12, नहीं तो फ्रेंड आपका ये खराब हो जाएगा बिल्कुल। तो इसी तरह आप सारे को पलट ले फ्रेंड। इसको फ्रेंड हम लो फ्लेम पे रखेंगे और 10-12 मिनट के बाद पलटेंगे, क्योंकि ये डीप फ्राई नहीं है फ्रेंड, तो ये खराब हो जाएगा बिल्कुल। तो अब आप इसको देखिए, हमारा कितना सॉफ्ट जालीदार एकदम बन गया फ्रेंड। तो एक एक करके हम इसको पानी में डालेंगे फ्रेंड, एकदम से बहुत ही सॉफ्ट और अमेजिंग ये दही वाला बनेगा फ्रेंड। ज्यादा तेल का जरूरत नहीं है फ्रेंड, बिना तेल के। तो सारे को आप, जो हो गया आप इसको देखिए, कितना एकदम सॉफ्ट हो गया फ्रेंड। देखिए
डाल रहे हैं एकदम, देखिए ये देखिए फ्लफी जैसा एकदम ऊपर आ रहा है, एकदम सॉफ्ट होगा। तो सारे को पानी में डाल के 10 मिनट छोड़ेंगे फ्रेंड। देखिए देखिए फ्रेंड, अब इसमें हम 3-4 लाल मिर्च रख लेंगे। अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और जीरा, टेपिन जीरा बस। अब इसको जलने दीजिए। अब इसका ब्राउन थोड़ा सा तल लेंगे फ्रेंड। इससे आपका डेकोरेशन बहुत ही अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हल्का ब्राउन हो गया, अब ये तड़का तैयार हो गया। अब गैस को बंद कर लेंगे फ्रेंड, और अब इसको सजा के खाएंगे बस। आधे घंटे के बाद देखिए कितना सुपर सॉफ्ट, एकदम अमेजिंग एकदम। देखिए आप इसमें, देखिए इतना डीप फ्राई की जरूरत नहीं है। देखिए हम ऐसे कर रहे हैं तो देखिए एकदम सुपर सॉफ्ट ये बनकर तैयार हो गया फ्रेंड। तो इस नवरात्रे आपको अमेजिंग टेस्ट देगा, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि हम फास्ट में हैं फ्रेंड। तो चलिए अब इसका डेकोरेशन कर लेते हैं फ्रेंड। ये देखिए इस तरह हम रखेंगे। जब भी आप पानी में डालें, उसमें पानी में 1 पिंच नमक जरूर डाल लें फ्रेंड। नमक तो ऐसे इसमें भी है, पानी में डालते समय आप नमक जरूर डालें फ्रेंड। अब इस पे रख लीजिए फ्रेंड। देखिए हमने दही, 500 ग्राम दही लिए। अगर आप दही में डीप करना चाहते हैं फ्रेंड, तो दही थोड़ा सा पतला करके इसमें आप डीप कर सकते हैं फ्रेंड। अगर आप ऐसे खाना चाहते हैं फ्रेंड, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। जब इसको फ्राई करके रख दीजिए, जब खाने लगे गर्म पानी में डालिए और इस तरह सजा के खा लीजिए फ्रेंड। ये देखिए, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इमली की चटनी, ये धनिया चटनी, इमली की लाल वाली खट्टी मीठी चटनी फ्रेंड। आप अपने अनुसार भी डाल सकते हैं फ्रेंड। ये घर का बना हुआ आमचूर पाउडर चटनी फ्रेंड, जिसका लिंक हम हमेशा YouTube में नए रेसिपी का डालते हैं फ्रेंड। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड। और इस पे थोड़ा सा डाल लीजिए लाल मिर्च, की शौकीन है तो डालिए, नहीं तो वो कर लीजिए फ्रेंड। ये देखिए, और ये डालेंगे चाट मसाला। अब थोड़ा सा डाल लीजिए अनार के दाने, ताकि आपको शक्ति भी चाहिए फ्रेंड एकदम से, तो इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। तो आप जूसी फ्रूट थोड़ा सा डाल लीजिए। अब इसके ऊपर तड़का डालिए और सर्व कीजिए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, जीरा का थोड़ा सा तड़का, तेल नहीं डालना है, बस मिर्चा और जीरा का तड़का डालना है फ्रेंड। के फूलों से सजा, बहुत यूनिक रेसिपी है जो माता रानी के फूलों से सजा के आप लोग के लिए वेट कर रहे हैं फ्रेंड। आप लोग की जिंदगी भी फूलों की तरह खिला खिला रहे फ्रेंड। फ्रेंड ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और झटपट झटपट घरेलू डिश में अपना अनुभव जरूर लिखे फ्रेंड। ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और अपने फ्रेंड दोस्तों को शेयर कीजिए फ्रेंड। फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में। आप लोगों को नवरात्र की बधाई फ्रेंड। नमस्कार।
नमस्कार।